नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान में खाता नंबर और केबाला में खाता नंबर, जो दोनों में होता है खाता नंबर, वह सेम ही होता है। मतलब कि खतियान में जो खाता नंबर दिया गया है और उस खतियान से किसी को केबाला बनाकर दिया गया, रजिस्ट्री पेपर बनाकर दिया गया, तो उसमें जो खाता नंबर है, क्या वह दोनों सेम ही रहता है? तो दोस्तों, इसको जानेंगे। और जानने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें खतियान में खाता नंबर की, तो खतियान में जो खाता नंबर होता है वह सर्वे के समय ही खतियान तैयार होकर और उसमें खाता नंबर फिल किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि जब कोई व्यक्ति उस खतियान से जमीन खरीदता है, रजिस्ट्री पेपर जब उनका बनता है, केवाला बैनामा जिसे आप कहते हैं, जब खतियान से केवाला बनता है, तो जो खाता नंबर खतियान में दिया गया है, वही खाता नंबर जो है केवाला बैनामा या रजिस्ट्री पेपर, आप लोग जिसे कहते हैं, उस पे चढ़ता है। मतलब कि जो खतियान में खाता नंबर है वही केवाला में भी चढ़ा हुआ है। लेकिन अब जब सर्वे हो रहा है, तो अभी सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे के बाद की जो प्रक्रिया होगी वो फिलहाल मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि नियम कुछ बदला जा सके, कुछ ऐसी प्रक्रिया लागू की जा सके जो चेंज भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय तक यह है कि कोई भी खतियान है और फिर उस खतियान से जो केवाला बना है, उसमें दोनों में जो है खाता नंबर सेम ही रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।